गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थ्री का उर्दू पढ़ेंगे, चैप्टर टू। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर चुका था, आज हम लोग आगे रीड करेंगे। तो काफी कोशिश के बाद भी जब अकरम के अब्बू का कोई पता नहीं चल सका तो उसकी अम्मी ने उसके खास दोस्त मंजूर साहब को फोन पर यह बात बताई। क्या कह रहे हैं कि जब बहुत कोशिश के बाद भी उसकी अम्मी को उसके अब्बू का पता नहीं चला तो उनके खास दोस्त जो मंजूर साहब थे उनको फोन पर सारी बात बताई। तो मंजूर साहब ने कहा, अकरम के वालिद को कंपनी में रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं उनके साथ ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब उनको छोड़ने के बदले में 10,000 रुपए मांग रहे हैं, आप चाहें तो थाने आकर उनसे मुलाकात कर सकती हैं। तो अकरम की अम्मी पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, उन्होंने अकरम को भी सूरत हाल से आगाह किया। अकरम ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा। अकरम की वालदा ने अपने भाई को बुलाकर सारी बात बताई। उनके भाई ने उनको 10,000 रुपए लाकर दे दिए। वो अकरम की अम्मी ने अपने भाई को सारी बात बताई और उनके भाई ने उसे 10,000 रुपए लाकर दे दिए। अकरम ने कहा कि अम्मी, ये सब रुपए आप अब्बू के पास पहुंचा दो, मुझे कुछ नहीं खरीदना। अकरम की वालदा रुपए लेकर थाने में मंजूर साहब के पास गई, जहां उन्होंने अकरम के वालिद को भी देखा जो इत्मीनान से बैठे थे। वहां वो सारे पैसे लेकर थाना गई और थाने में उसने अकरम के वालिद को भी देखा जो बिल्कुल इत्मीनान से बैठे थे। मंजूर साहब ने बताया कि ये ड्रामा दरअसल अकरम की जिद चुराने के लिए और उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए रचा गया था। तो मंजूर साहब ने कहा कि ये सब एक ड्रामा था जो अकरम की जिद और उसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए रचा गया था। जो रुपए आपको आपके शौहर ने दिए थे वो दरअसल मैंने ही उनको दिए थे। अकरम की वालदा अकरम के अब्बू को लेकर घर पहुंची। अकरम की वालदा जो है अपने शौहर को लेकर घर पहुंची तो अकरम अपने अब्बू से लिपट गया और बोला, अब्बू, आइंदा से मैं कभी इस तरह की जिद नहीं करूंगा। उस दिन के बाद अकरम एक अच्छा लड़का बन गया। इस कहानी से जो भी हमें तालीम हासिल हुई कि वक्त व हालात को देखते हुए हमें अपने मुतालबत पर काबू रखना चाहिए और जिद नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि वक्त और हालात को देखते हुए हमें अपने जिद पर अपने मुतालबात पर काबू रखना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्च से बचना चाहिए और वालिद का कहना मानना चाहिए। फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए और वालदैन का कहना मानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्फाज के मानी। थैंक यू।